तो साउथ इंडस्ट्री की तरफ से एक मूवी आई है द फैमिली स्टार विजय देवरकोंडा मूनन ठाकुर की, जिसको मैंने देख लिया। जियो सिनेमा के ऊपर इसको इंडिया में रिलीज किया गया और जहां मैं रहता हूँ जब ये मूवी रिलीज हुई थी थिएटर में मेरे यहाँ नहीं लगी थी, इसलिए मैंने इस मूवी का रिव्यू नहीं किया था। लेकिन फाइनली अब इस मूवी को मैंने हिंदी में देख लिया। तो कैसी ये मूवी, क्या आपको इतना टाइम देना चाहिए कि नहीं, ये सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो देखिए और बता दूँ, इस मूवी को देखने से पहले मैंने इसका ट्रेलर बिल्कुल भी नहीं देखा था, लेकिन भाई जब मूवी चालू किया तो मूवी में काफ़ी कुछ चीज़ें सरप्राइज तो की, काफ़ी कुछ चीज़ें डिसअपॉइंट भी की। आइए बात करते हैं क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें खराब लगी। जहाँ मूवी की बात की तो मूवी आप लोग को जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर देखने मिल जाती है, 2.5 घंटे की मूवी देखने मिलेगी। और हिंदी डब की बात की तो हिंदी डब बहुत प्यारी की गई, यहाँ पे जियो सिनेमा आज के हिंदी डब के ऊपर काफी ध्यान दे रहा है। जहाँ अगर बात करें स्टोरी की तो स्टोरी हम लोग कुछ यूँ देखने की मिलती है कि विजय का जो कैरेक्टर है गोवर्धन, हम लोग को मुन्नन ठाकुर कैरेक्टर यहाँ पे इंदू देखने मिलता है। यूँ है कि गोवर्धन हम लोग को मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए देखने मिलता है। बोले तो पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर रहती है, बहुत ही बचा बचा के भाई वो अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। और बोले तो भाई बहुत ही ज्यादा कंजूसी भी कर रहा होता है। हाँ भाई, उसको बाइक में तेल लेने के लिए 23 रुपए का पेट्रोल लेना पड़ता है। मैंने कहा भाई 23 रुपए का पेट्रोल आज की डेट में देता कौन है। हाँ, इस मूवी के अंदर हम लोग देखेंगे बंदा 23 रुपए का पेट्रोल डलाता है अपनी बाइक के अंदर, और भाई वो इतना ज्यादा कंजूस रहता है कि भाई अपनी फैमिली मेंबर को वो कहीं पे भी नहीं लेके जाता, ना मॉल ना रेस्टोरेंट कहीं पे भी नहीं। इसी बीच हम लोग को एक ऐसी किरदार देखने को मिलती है जो भाई उसके घर पे आती है, और आने के बाद इन दोनों के बीच में हो जाता है लव। और लव होने के बाद क्या क्या होता है आप लोग को बस वही इस मूवी में देखना होगा। अगर देखो मैं तुम लोग को आगे की मेन स्टोरी बता दूंगा तो फिर तुम लोग समझ जाओ कि मूवी में स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन भाई स्टोरी की बात हो जाओ ठीक ठाक है। लेकिन भाई जिस तरीके से डायरेक्टर साहब ने प्रेजेंट किया वो देख के मुझे मजा तो आया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बुरा भी लगा, क्योंकि भाई फर्स्ट हाफ के सीन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भाई लिटरली बता रहा हूँ, जब लड़की आती है पहले दिन उसके घर पे, पहले दिन वो भाई बंदे से फ्लर्टिंग करना चालू कर दी। मैंने कहता भाई मेले मेले 4 दिन नहीं हो तुम फ्लर्टिंग चालू कर दी। वो सीन देख के मुझे काफी ज्यादा खराब लगा। जहाँ पे अगर मैं ये बोलना चाहूँ तो भाई वही वाला हाल है कि मर जाए तब इतना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन भाई लड़की के चक्कर में वो पिघल ही जाता है। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाफ में आप लोग को बताऊँ तो फर्स्ट हाफ जहाँ बिल्डअप होता देखने मिलता है, तो फर्स्ट हाफ के इंटरवल से कुछ सेकंड पहले हम लोग को कुछ ऐसी सीने देखने मिलती है जहाँ भाई लिटरली लगता है कि बंदा अब चेंज नहीं होगा। यहाँ बंदे ने समझ लिया कि प्यार से ज्यादा जरूरी है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई सेकंड हाफ में वैसे कुछ चीजें हमको देखने की नहीं मिलेगी, लेकिन भाई सेकंड हाफ में जो चीजें होती है ना भाई साहब क्या बताऊं तुम्हें मैं, वहाँ पे आप लोग को ऐसी चीज देखने मिलेगी ना, पूरा ही आप लोग को यूके का सीन देखने मिलता है कि भाई गाँव में तुम फर्स्ट हाफ में बंदा क्या कर रहा था, सेकंड हाफ में बंदा क्या कर रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, स्पॉइलर दे रहा हूँ थोड़ा, तो तुम्हें गौर करना है। यहाँ पे जहाँ सेकंड हाफ में इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, फिर वहाँ पे इंदू जो रहती है इसको लेके आती है अमेरिका, अमेरिका जब ये जाता है तो भाई वो काफी कुछ चीजें वहाँ पे इन दोनों के बीच में होती है। बंदा भाई अपने ईगो के ऊपर बात लेकर भाई काफी बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता है, लेकिन भाई जब वो कांड होता है ना तो तुम लोग सोचोगे नहीं, आप लोग को ट्विस्ट देखने मिलता है ना, आप लोग को सरप्राइज करेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मोमेंट रखा गया है कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि भाई ऐसी चीज भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि भाई इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, वो देख के मुझे मजा आया। तो बात करें कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर में सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा दादी का, जिन्होंने दादी का रोल प्ले किया है। जब जब आ रही थी स्क्रीन ऊपर तो एक कुछ ना कुछ मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आ जा रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया। और यहाँ पे जो मुन्ना ठाकुर कैरेक्टर था भाई, वो तो जब भी स्क्रीन के ऊपर आ रही थी मैं क्या बोलो यार तुम लोगों को, जो मूवी आई थी ना उनकी सीतारमण की याद आने लगती है, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक्टिंग की है। जहाँ विजय देवरकोंडा की एक्टिंग ठीक ठाक है आप लोगों को लगेगी यहाँ पे अच्छी एक्टिंग की, लेकिन सेकंड हाफ में उनकी एक्टिंग थोड़ी ओवर लगती है यहाँ पे, लेकिन मैं ओवर जज करते हुए बोलूँ तो भाई मूवी अच्छी लगी मुझे, उतनी कोई बेकार नहीं है भाई, अच्छी मूवी है। इन्होंने कुछ अच्छा प्रेजेंट किया हम लोग को, जहाँ भाई हाँ बॉक्स ऑफिस के ऊपर इसने ज़्यादा कलेक्शन नहीं किया, लेकिन हाँ ओवरऑल बताओ तो ओटीटी के ऊपर आई तो भाई काफ़ी लोग ये मूवी पसंद आएगी, जिनमें से मैं भी एक हूँ, मुझे ये मूवी पसंद आई। और बस ये बोलना चाहूँगा ये वन टाइम वॉच मूवी नहीं है, अगर मैं कभी बैठूंगा मेरे पास कोई कंटेंट नहीं रहेगा तब भी मैं इसको एक बार दोबारा जा सकता हूँ, क्योंकि इसकी कॉमेडी इस तरीके से लिखी गई कि हम लोग को हंसी आती है वहाँ पे। बस ओवरऑल मैं अगर यही बोलना चाहूंगा तुम लोग को ये मूवी देखना तो जाओ बस देखो, फैमिली फ्रेंडली मूवी। हाँ बस एक दो जगह किसी आप लोग को देखने मिलेगी आप लोग को, तो ज्यादा नहीं है, कुछ सेकंड की रहती फिर हट जाएगी, तो उससे आप लोग को ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं इस वीडियो में।